ये मंदिर है स्वामी नारायण, देख लीजिए आप। और मैं जब भी ब्लॉक करने निकलता हूँ, देखो बारिश हो जाती है, मैं अभी भी भीग गया हूँ। अब ये देखिए बीच में डिजाइन कितना प्यारा दे रखा है, कितना सटीक। लहसुन, हाँ, अजमेर, हाँ, जीरा, जीरा, पांच फ्लेवर। ये देखो दोस्तों, और खा लो। तो दोस्तों, हिम्मत नगर साबरकांठा वाली वीडियो को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, ब्लॉग को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि और हमारे गुजरात हिम्मत नगर साबरकांठा में क्या क्या है। तो आज मैं आपको ले जाने वाला हूँ दोस्तों स्वामीनारायण मंदिर, उसके बाद हम जाएंगे बस स्टैंड, यहाँ का मैं आपको बस स्टैंड दिखाऊँगा किस तरीके का है, और एक जगह मैं आपको और दिखाऊँगा, वो रहेगी सरप्राइज़। तो जितने भी मेरे भाई हैं, एमपी वाले मेरे भाई हैं, थोड़ा सा अपने भाई को सपोर्ट करो, अहमदाबाद वाला मने सपोर्ट कर जो, अने हमारी चैनल ने सब्सक्राइब कर जो, सब्सक्राइब करे या वगर मत जाना चैनल से, थोड़ी सी गुजराती मेरे को आती है, और ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों, मैं आ चुका हूँ हिम्मत नगर GSRTC बस स्टैंड, और ये देखिए कुछ इस तरीके का बस स्टैंड है, ये बहुत बड़ा बस स्टैंड है दोस्तों, काफ़ी फैला हुआ है और काफ़ी बसें यहाँ से चलती है। यहाँ के लिए दोस्तों देखिए बसें राजस्थान भी जाती है, आपको यहाँ से अहमदाबाद के लिए भी बस मिलती है, और राजस्थान के बहुत सारे गांव हैं, मैं खुद राजस्थान यहाँ से जाता हूँ, और हिम्मत नगर के भी कुछ जो आसपास के गाँव हैं वहाँ के लिए भी बस आपको यहाँ से मिलती है। तो इस तरीके का है, बाकी आप यहाँ आ सकते हैं, इनसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, टिकट काउंटर हो रहा सामने देखिए, और आप अपना सफ़र एंजॉय कर सकते हैं इजीली। और इस ब्लॉग में आगे तक बने रहिएगा दोस्तों, बिना वीडियो को स्किप करे पूरा ब्लॉग देखिएगा, आगे मज़ा आने वाला है, और आपके लिए एक सरप्राइज़ भी है। देखिए दोस्तों कितनी बड़ी बड़ी बसें हैं यहाँ पर, एक ये बस निकल रही है अभी, यहाँ पर आप बैठ सकते हैं, अपनी बस का वेट कर सकते हैं, और ये स्टैंड है जहाँ पर बसें खड़ी होती हैं, ये देखिए, ये अलग अलग नंबर गेट नंबर के हिसाब से, अलग अलग नंबर के हिसाब से बने हुए हैं, और आप इजीली आ सकते हैं, इजीली अपना सफ़र कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके का है ये बस स्टैंड, और काफ़ी फैला हुआ है हिम्मत नगर साबरकांठा का बस स्टैंड, ये देख लीजिए आप। और मैं जब भी ब्लॉक करने निकलता हूँ, देखो बारिश हो जाती है, मैं अभी भी भीग गया हूँ, अब रुक गई, कभी आ जाती है कभी रुक जाती है। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं आगे। ये दोस्तों, और मैं भगवान से भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि बारिश ना आए बस। दोस्तों आ गए हैं हम स्वामी नारायण के मंदिर, और ये रहा कुछ ऐसा दिखता है, चलिए चलते हैं अंदर। सो दोस्तों, मैं यहाँ मंदिर तो आया था, लेकिन मंदिर अभी क्लोज है, 4 बजे खुलेगा, तो जब तक दोस्तों हम 4 बजे तक का वेट करते हैं, और फिर मैं आपको ये मंदिर दिखाता हूँ अच्छे से, बहुत ही अच्छा मंदिर है, बहुत ही सुंदर दिख रहा है। तो मैं अभी नहीं दिखाऊंगा आपको बाहर से, तभी दिखाएंगे जब मंदिर के गेट 4 बजे जब मंदिर के द्वार ओपन होंगे, तो रहिएगा ब्लॉग में। सो दोस्तों, आपको पता है मेरे को 1.5 घंटा वेट करने के बाद यहाँ आने को मिला है, क्योंकि टाइम आप स्क्रीन पे देख ही रहे होंगे। तो ये देखिए, ये है व्यू हमारे स्वामीनारायण मंदिर का, और मैं अंदर आ चुका हूँ, और यहाँ पर गार्डन एरिया देखिए आप, बहुत अच्छा गार्डन एरिया है दोस्तों, ये देखो कितनी ग्रीनरी है, कितने अच्छे से दोस्तों, ये चीज़ देखो, मेरे को ये जो चीज़ें हैं ना, ये जो पेड़ पे इस तरीके से घूम के आ जाती हैं बेले, वो चीज़ें मेरे को बहुत पसंद है सच में। और ये है स्वामी नारायण मंदिर, वाओ दोस्तों, एक बार ये देखिए घासों में किस तरीके से कटिंग करके, किस तरीके से अच्छे से पेड़ों को शेप दी गई है दोस्तों, वाह। पीछे दोस्तों, पीछे वो वाला गमला भी देखिए आप, कितना प्यारा लग रहा है, ये देखिए पूरा ग्रास से ही बना रखा है, वाह। तो गार्डन से ही नज़र नहीं हट रही, गार्डन ही कितना सुंदर है, ये देखिए दोस्तों कितना सटीक बना रखा है एकदम, सिर्फ घास, मतलब घास से ही बना रखा है, वाह। ये देखो अमेजिंग यार, वीडियो बहुत लंबा होने वाला है दोस्तों, तो बने रहिए, मेरे को तो बहुत मज़ा आ रहा है सब देखने में, और वीडियो में जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला, एंड में एक सरप्राइज़ भी है आपके लिए।
ये मंदिर है स्वामीनारायण। अभी मैं इसके अंदर भी जाऊंगा, लेकिन मैं बाहर से पहले आपको अच्छे से पूरा ये बता देता हूँ कितनी बड़ी मतलब प्रॉपर्टी में ये बना हुआ है, और बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉपर्टी में है दोस्तों, बहुत ज़्यादा फैला हुआ है दोस्तों, कम नहीं है मंदिर ये भी हिम्मत नगर गुजरात में। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं, दर्शन करते हैं। ये दोस्तों चलते हैं थोड़ा ऊपर मंदिर में। मैं नीचे ही उतार देता हूँ, मैं शूज़ यहीं उतार देता हूँ दोस्तों। वाओ दोस्तों, मेरे को ना यहाँ से जो स्क्रप्चर जो बने हुए हैं ना ऊपर वॉल पे, वो देखो फिर से नज़र आने लग गए हैं दोस्तों, आपको भी नज़र आ रहे होंगे यहीं से ही। बहुत ही अमेजिंग डिज़ाइन है दोस्तों, बहुत प्यारा, बहुत शार्प और बहुत बारीकी से काम किया गया है। वाह 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 वाह, मतलब हर एक उस चीज़ पे दोस्तों काम किया गया है जिस पे डिटेलिंग करना भी मुश्किल है, मतलब कितनी कितना टाइम लगा के देखिए दोस्तों बनाया हुआ। ये स्कल्पचर देखिए आप, मतलब जो भी अंदर मूर्ति इन्होंने बना रखी है, छोटी सी पीकॉक बना रखा है ये, बहुत प्यारा लग रहा है। और दोस्तों ऊपर से ये देखिए आप, ये इसको बनाने में ही दोस्तों पता नहीं कितनी मेहनत लग गई होगी, मतलब कितना अच्छे से सटीक तरीके से बनाया हुआ है, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन के साथ और उस हिसाब से बनाया हुआ है। और ये ऊपर देखिए, कर सभानो संदेश खास मुख्य होतो आ प्रसंगे वधारेला आ कॉर्पोरेशनना मुख्य संचालकने स्वामीश्री समक्ष आमंत्रवामां आव्या, आमन लावामां आव्या। श्री अनिल सिंह स्टेट हेड ऑफ सर्क्युलेशन, श्री आशीष भाई यादव युवा, स्वामी श्री अक्षर पुरुषोत्तम महाराज। आखे बीजो एक विशेष प्रसंग हतो, भुज में अक्षर रेसिडेंसी में बिल्डर श्री मनीष भाई मोरबिया अने नीलेश भाई उत्सव माटे कच्छ थी चार बस भरीने बहुत सुंदर है दोस्तों, बहुत सुंदर है और बहुत बढ़िया डिज़ाइन है दोस्तों। मेरे को देखो ठीक यहाँ पर मंदिर में से मैं बाहर आ चुका हूँ, और यहाँ पे एक बुद्धा का स्टैचू देखा, देखिए दोस्तों कितना सफाई से और कितना आराम से बना, मतलब कितना प्यार से बनाया है, जैसे कितना मतलब कितना वक्त दिया उसको बनाने में दोस्तों। एक एक मूर्ति आप देखिए एकदम डिटेल्स के साथ है। ये वाली मूर्ति देखिए दोस्तों, घोड़ा राजा ऊपर मतलब बैठे हुए, भगवान ही है। और ये देखिए इधर, तो अचानक से मेरे को दिखते हैं मेरे भोलेनाथ और मेरे को दर्शन देते हैं। ये देखिए दोस्तों कितने कितना प्यारा स्वरूप, कितना प्यारा स्टैचू है, एकदम प्यारा दोनों का, पार्वती जी और भोलेनाथ का, और बीच में गणपति जी। बहुत बढ़िया लग रहा है दोस्तों, और ये कितना अच्छा बना रखा है ऊपर देखिए, इसमें भी कितनी डिटेलिंग्स कर रखी हैं, एकदम एंटीक बना रखा है पूरा एंटीक मंदिर। दोस्तों सामने हैं जानकी जी, हनुमान जी, राम जी, बहुत ही अच्छा, बहुत ही मेमोराइज्ड है दोस्तों। सेम चीज़ वहाँ पे भी अच्छे से देखिए कितना ध्यान रखा गया है शेप्स वगैरह का, डिज़ाइन वगैरह का। तो दोस्तों ये मैं अभी परिक्रमा कर रहा हूँ, ये जो भी अपना यहाँ पे स्वामीनारायण जी का मंदिर है, अंदर उनकी मूर्ति है, और ये वही जगह है जहाँ पे अंदर मूर्ति रखी गई है। तो मैं भी परिक्रमा कर रहा हूँ, यहाँ पे भी काफ़ी सारे देखे हैं दोस्तों, मतलब नज़र ही नहीं हट रही एक तरीके से, कितना प्यारा बना रखा है।
हर जगह देखो दोस्तों, ये ऊपर डिज़ाइन देखो आप, मैं रुक गया, देखो मैं दिखा रहा हूँ आप, ये डिज़ाइन देखो, इसके बाद ये देखो दोस्तों, कितना प्यारा है, कितना प्यारा है, ब्यूटीफुल, बहुत, और बहुत पॉजिटिव वाइब्स है इधर दोस्तों, बहुत ज़्यादा, एकदम ऐसा लग रहा है दोस्तों यहाँ के, पता है दिमाग को शांति मिल गई, एकदम मन को शांति मिल गई, मैं अभी अपनी थकान भूल गया हूँ मैं सब कुछ, मतलब ऐसा लग रहा है कि एक एनर्जी सी आ रही है दोस्तों अभी इस टाइम पे ना यहाँ पे, जिस तरीके की वाइब्रेशंस आ रही हैं और वाइब्स आ रही हैं, यहाँ मेरे को जैसा फील हो रहा है दोस्तों, मेरे को पता चला ये कार्यालय है इन लोगों के काम करने का, प्लेस वगैरह जो भी है, नीचे ऑफिसेज वगैरह हैं, और ये है छात्रावास, छात्रावास मतलब ये एक हॉस्टल है जिसमें मतलब लोग बच्चे रहते हैं। सो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे कितना अच्छे से बैठने के लिए भी है, आप दर्शन करके आराम से यहाँ पे बैठ के कुछ भी मतलब अपना मंत्र जाप कर सकते हो, एक जगह ध्यान लगा सकते हो, बहुत प्यारी सी प्लेस बनी हुई है दोस्तों, और इधर भी है सेम, और ये है बिल्कुल मंदिर का सेंटर, ये देखिए दोस्तों, यहाँ से ये सीढ़ियाँ हैं और यहाँ से ये वाली सीढ़ियाँ हैं, दो सीढ़ियाँ हैं, और सामने से कुछ ऐसा ये भी है। वैसे दोस्तों एक बार गार्डन देखिए कितना प्यारा लग रहा है, वो देखिए उधर, ये देखिए, ये देखिए बीच में डिजाइन कितना प्यारा दे रखा है, कितना सटीक तरीके से बना रखा है, बहुत बड़ा गार्डन है दोस्तों, वहां से भी है, उधर भी है, वो देखिए दोस्तों, बहुत, ये दोस्तों इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है एक बारी में कवर नहीं हो सकती। बहुत पॉजिटिविटी छे अने बहुत एकदम दिव्य जग्या छे, अने चैनल ने सब्सक्राइब कर, और दोस्तों हाँ एक बात और, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ वीडियो को अगर आप देख लेते हैं तो ऐसा ही मत छोड़िए, एक सपोर्ट, एक सब्सक्राइब अपने भाई के लिए कीजिए, करिए और अपना प्यार देते रहिए। तो दोस्तों जय स्वामीनारायण। तो दोस्तों मैंने पहन लिए हैं अपने शूज़ और अब हम जाएंगे अपने घर, आ गया हूँ, और आज का जो सरप्राइज़ है वो ये है, मम्मी के लिए सरप्राइज़ है कि आज मैं मम्मी को खिलाने ले जाने वाला हूँ कुछ, तो आप मम्मी जो यार हाँ बोलोगे मैं वो खिलाऊंगा आज आपको, क्या खाओगे? यहाँ की वो अच्छी चीज़ है ना, बढ़िया चीज़, पानी पूरी। पानी पूरी खानी है पक्का, जो बोलोगे वो खिल मिल जाएगा आपको? चलो ठीक, से यस बोलना आपको, हाँ मैं ये खाऊंगी, चलो पानी पूरी खा लेंगे, तो पानी पूरी खाने चले फिर, दिल्ली जैसी टिक्की मिलती हो तो टिक्की खा लेंगे, टिक्की भी खाओगे, चलो आप चलते हैं दोस्तों, अब देखते हैं हम सब जाएंगे, मम्मी आप तैयार हो जाओ, मैं भी तैयार हो जाता हूँ, बाहर भी खाना खाएंगे हैं, बाहर ही खाएंगे आज, अच्छा ज्यादा नहीं हो रहा है, है? पहले ये टिक्की फिर गोलगप्पे, तो हम सब रेडी हैं दोस्तों अब जाने के लिए पानी पूरी खाने के लिए, तो चले, चलो पापा कहाँ, पापा को बुलाओ, नहीं है पापा कहाँ चल रहे हो, तैयार हो गए आप तो हैं? तो मम्मी आ गई है पानी पूरी वाले भैया के पास, मैं खाऊंगी, तू नहीं खाएगी क्या? हाँ तो ये है भैया यहाँ पर है गायत्री मंदिर, ये गायत्री मंदिर नहीं, सॉरी हाँ एड्रेस बताओ भैया अपना, महाकाली मंदिर के पास आप लगाते हैं भैया, और ये देखो इनके पास ना अलग अलग फ्लेवर में पानी रहता है, भैया एक बार पहले सबसे बढ़िया बताओ पानी कौन से, कौन कौन से पानी आपके पास? पांच फ्लेवर से, पांच फ्लेवर, हाँ एक रेगुलर, हाँ पुदीना, हाँ लहसुन, हाँ अजमा, हाँ जीरा, जीरा पांच फ्लेवर, ये देखो दोस्तों पुदीना।
नहीं पसंद आया? अच्छा है ना। ये मेरे को देना मम्मी। अरे पहले चखने तो दो। चलो आप चख लो पहले। चखा नहीं है उन्होंने सारा। बहुत बोलना आता है। और खा लो। तो ये है दोस्तों महाकाली मंदिर, और मम्मी पापा भी यहीं दर्शन कर रहे हैं। और इसी मंदिर के बाहर वो पानी पूरी वाला है जो बहुत टेस्टी पानी पूरी बनाता है। मेरे को तो उसी की अच्छी लगती है फ्लेवर वाले में। तो दोस्तों यहाँ हम दर्शन कर लेते हैं माता रानी के। वंशु हाथी राजा कहाँ चले, सूंड घुमा कर कहाँ चले, हाथी राजा कहाँ चले, सूंड घुमा कर कहाँ चले। हाथी राजा है। हाथी राजा वंशु, हाथी राजा जो तू देखता है वो है, हैं? इतनी लंबी सूंड हाथी राजा की जमीन में गड़ी हुई है। बैठने जा रहा है शेर पे। वंशु ये पता है इस पे लटक गोरा शेर। इस पे क्या? इसको पकड़ के ऐसे झूले खाने के। हाँ और टूट जाए तो फिर ये टूटेगा, इसकी मजबूत होती है डाली। हाँ इसको शेर पे बिठाओ, शेर पे। शेर पे तो कोई बैठा हुआ है। चलो भाई शेर पे बैठना है। खर्चे तू पका थोड़े उतरी। ओए शेर वंशु, शेर जंगल का शेर। शेर का रंग धुंधला हो गया है। इस वाले झूले पे झुलाओ फिर। इस पे झुलाओगे? गिर जाएगा, इस पे गिर जाएगा। दोनों बैठ के झूलोगे ऐसे? ये तो फिसल रहा है। हाचवान क्या बोलते हैं? हाचवीन बैजन तो पड़ी जाओ एम नेम। एम नेम पड़ी जाओ जो जो। किस पे? उस पे हो, इस पे, इस पे, इस पे। ये गोल गोल वाला जो है दोस्तों, ये बहुत झूला प्यारा सा लग रहा है, बढ़िया अच्छा सा लग रहा है। इस पे बैठाओ। हैं? मैं बैठ रहा हूँ ना। हाँ इतना बड़ा भी नहीं है ये, छोटे बच्चे का। छोटे बच्चों का है? वंशु अब देखना कैसा मुंह बनाएगा, यूं यूं करेगा। वंशु वंशु देख मजा आ रहा है। ओहो ओहो ओहो। दोस्तों मैं और वंशु का खा रहे हैं झूले। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और मैं करता हूँ आज के ब्लॉग का एंड। और आपको वीडियो पसंद आई होगी, और चैनल पे नए हैं मैं फिर से कह रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए दोस्तों, और थोड़ा सा हमारे सपोर्ट करवा लूँ।